व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शाही मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बकरीद स्पेशल, जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक ये प्याज लेनी है और प्याज को स्लाइस करके और फ्राई कर लेना है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, या फिर आप इसको हाथ से क्रश कर सकते हैं। तो जैसा भी, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल में से और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद में मैं मसाले लूँगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दही है, और उसके अलावा कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें आपका धनिया पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और नमक और दालचीनी, ये सब है। और इसके अलावा हम कुछ और मसाला भी लेंगे जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो उसमें मैंने काजू लिया है और दालचीनी है, ज़ीरा है, हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। ज़ीरा छोड़ के सब चीज़ पहले एक बार पीस लेंगे और फिर उसके बाद में अदर चीज़ पीसेंगे। ये मैंने मटन ले लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे पीस हैं ले लिए हैं। अब इसके बाद में ये मैंने पेस्ट बनाने के लिए इसको ग्राइंड करना है सबसे पहले, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा ग्राइंड करने के बाद में फिर ज़ीरा ऐड करके, पानी ऐड करके इसे ग्राइंड करूँगी और पेस्ट बना लूँगी मैं इसको। तो पेस्ट बनाने में हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी यूज़ करेंगे। और ये अब हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है बनकर, तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, दरदरापन नहीं छोड़ेंगे, पेस्ट बन जाएगा इसका। फिर इसके बाद में जब ये पेस्ट रेडी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि एक पॉट लेंगे जिसमें हमें कुक करना है मटन, या फिर आप कुकर भी ले सकते हैं। तो मैंने कुकर का यूज़ करा है, तो उसमें हम मटन ऐड करेंगे, फिर अदर चीज़ यूज़ ऐड करेंगे, जैसे कि दही है आपका, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और जो खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, हल्दी और मिर्च भी ऐड कर देंगे। या मैंने मुझसे यहाँ स्किप हो गई थी, मैंने बाद में ऐड करी है, और तेज़पत्ता, काली मिर्च, ये सब मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस ऑन कर देंगे। फिर हम गैस ऑन करने के बाद में इसे तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे। कुक करने के बाद में इसमें फिर हम घी ऐड कर देंगे। घी आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी ऐड करा था। घी ऐड करने के बाद में इसे हम चलाते रहेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसे कुक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। और फिर उसके बाद में जो हमने पेस्ट बनाया था, काजू, ज़ीरा और इधर जो पीस के हमने पेस्ट बनाया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करके इसे फिर अच्छे से मिक्स करके, और फिर इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और फिर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया है अब इसमें। ये ऐड करने के बाद में इसे मिक्स कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्राइड अनियन है उसको या तो हम हाथ से क्रश कर लें और नहीं तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने में अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ लिक्विड चाहिए तो दूध यूज़ करना है उसमें, तो 1/2 टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून तक आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो इसमें हम कुकर में ऐड कर देंगे जो हमारा कुक हो रहा है, तो इसमें ऐड करके से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। मिलने के बाद में इसे हम फिर फर्दर कुक करेंगे और हम पानी ऐड कर देंगे इसमें, 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। ये मैंने मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी इधर मिर्च डाली है। मिर्च डालने के बाद में इसे हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो वेसल दे लें, और नहीं तो बिना वेसल वाले बर्तन बना रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेगा इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें। मैंने इसे कवर कर दिया है, 5 से 6 विसल दूंगी मैं। आप 5 से 6 दे सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी देनी पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है। तो हम जब विसल आ जाएंगे उसके बाद में जब दोबारा खोलेंगे तो चेक करेंगे कि हमारा टेंडर हुआ है, गोश्त गला है कि नहीं गला, तो फिर उसके बाद में हम उसमें अगर हमें ज़रूरत है तो हम और विसल दे देंगे, और नहीं तो हम अब इस स्टेज पे अगर आपकी बोटी गली नहीं है तो आप इसमें 2 विसल और दे सकते हैं, और पानी एडजस्ट कर लीजिए। अगर पानी भी नहीं बच रहा है तो फिर उसमें पानी ऐड कर दीजिए। मेरी ऑलमोस्ट गल गई थी और मुझे थोड़ा सा इसे अभी कुक करना है, तो इसलिए मैंने इसे इसमें अब कोई विसल नहीं देनी है मुझको, मैंने ऐसे ही कुक कर लेना है। तो अब ये देखिए इसमें ऑयल सेपरेट होने लगेगा अच्छे से, और ऊपर ऑयल आ जाएगा। उस स्टेज तक हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर खोल कर ऐसे ही पकाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें हम काजू बादाम ऐड कर देंगे। काजू बादाम ऐड करके इसे मिक्स
कर लीजिए एक बार, पूरा अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब ये हमारा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें करना क्या है, ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो अब हम इसको सर्व करेंगे और उसको गार्निश करेंगे। आप इसे अब गार्निश कर दीजिए जिंजर जो लाइन से। अगर आपको धनिया पत्ता पसंद है तो आप उसे डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यूज़ नहीं करा है, मैंने इसमें बस जिंजर जो लाइन ही गार्निशिंग के लिए यूज़ करी है। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम एक बोल में सर्व कर देंगे निकालने के लिए। ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे रोटी, चपाती, नान या फिर राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम अहेड।